कानून व्यवस्था के मसले से होंगे सवालों से तस्वीर इजाफा कर रही ने। लुधियाना च गैंग वॉर हुई है तो भी घर के अंदर। लुधियाना के हैबोवाल च बदमाशों वालों गैंगस्टर का कतल किया गया। गैंगस्टर सुखा बाड़ेवालिया से सरेआम गोलियां वराईया गई। कतल के इल्जाम रिक्की नाम के एक बदमाश से लगे ने। पुलिस मुताबिक सुखा बाड़ेवालिया एक होर शख्स नाल रोहित दे घर आया। इसे दौरान आपस च लड़ाई हुई, तकरार बाद गोलियां चलिया। गैंगस्टर सुखे दे तीन गोलियां वजिया ते मौके ते उसने दम तोड़ दिता। रोहित भी फायरिंग दौरान जख्मी होया है, जिसका इलाज लुधियाना के DMC अस्पताल चल रहा है। सुखा बाड़ेवालिया अपने इतने दोस्त दे नाल आया सी, और ये जिहड़ा मुंडा रोहित हैगा इस घर दे विच रहिंदा हैगा, वो भी इहदा कंप्लीट हैगा सीगा। ये 70/22 मुकदमे दे विच किडनैपिंग दे केस दे विच इकट्ठे दोषी सीगे। सो इत्थे आके लोग उपर चबारे च बैठे सीगे, सो जिहदे करके उत्थे इहनां दा जो जापदा हैगा कि भी आपस च कोई गुत्थम गुत्था होए ने, और जिहदे विच सुखा बाड़ेवालिया जिहड़ा हैगा उहनूं गोलियां लगियां, उहदी तां उत्थे मौके ते ही मौत हो गई। और जिहड़ा मुंडा रोहित हैगा उहदे भरवट्टे दे कोल किते गोली दा निशान हैगा, उह लेकिन उत्थे DMC गिआ, सो उत्थे उहदा इलाज चल रिहा। एक मुंडा जिहड़ा नाल आया सीगा सुखे दे, वह मुंडा जिहड़ा हैगा उह इत्थों मौके तों फरार हो गिआ सी। सुखा बाड़ेवालिया कुछ समा पहलां ही जमानत ते जेल तों बाहर आया सी। गैंगस्टर सुखा बाड़ेवालिया नजायज़ हथियारां सने कुटमार दे 23 केसां च नामजद है। जख्मी रोहित भी सुखे दे नाल ही सराबा नगर किडनैपिंग मामले च नामजद है, जिसके घर इस वारदात को अंजाम दिता गया। पुलिस तफ्तीश च जुटी है ते मौके तो ही 30 बोर का देसी पिस्तौल बरामद किया गया। कहूंगा कि 23 केसा दे विच ए बंदा सीगा मुलजम, 23 ठीक है। ये भगौड़ा इन दी सेंस हाली डिकलेयर नहीं सी होया, इनू हाई कोर्ट तो इहदी जमानत जिहड़ी है वह कैंसल हो गई सी। इन्हें शामिल तफ्तीश होने लिए कहा गया सी, लेकिन ये होया नहीं शामिल तफ्तीश। दिन दिहाड़े गैंग वॉर ते कतल दी वारदात DGP पंजाब दे उस बयान ते सवाल खड़े कर दी है, जिस च उन्होंने पंजाब दा माहौल ठीक ठाक होने का दावा किया। एको ही दिन दो वारदातां होना वड्डा सवाल है। सवेर वेले अमृतसर च IED ब्लास्ट हुंदा है ते शाम हुंदे हुंदे गैंग वॉर। पंजाब दी कानून व्यवस्था ते स्पष्ट सवाल है।